लास्ट जवाब। आज का लोग स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट डे हो चुका है, आज ट्रैक जो है ट्रैक करने जाएंगे, नहा चुके हैं, नहा तो मतलब ये लोग चुके हैं, मैं नहीं नहाया, मतलब मैं पहले सबसे पहले उठ गया था, बट मैं नहाया नहीं, मैं बैठ भी पड़ा हूँ, चलेंगे बस बाकी। अर्ली मॉर्निंग व्यूज, जाके जल्दी से नहाते हैं, ये फोन पर बात करने में लगेंगे, जल्दी से जाके नहाते हैं, चेंज करते हैं, ट्रैकिंग कपड़े पहनते हैं, बस ट्रैकिंग के लिए लाया हो मैं कपड़े पहनते हैं, निकलते हैं फिर ट्रैक के लिए, ब्रेकफास्ट करेंगे, ट्रैक के लिए निकल जाएंगे। बाय बाय, जॉय ट्रैकिंग पे, ट्रैक के लिए कपड़े पहन लिए, मास्क उतार देकर ट्रैक करते हुए ऑफकोर्स सांस तो लेनी है, कैप भी रख लिए ज़्यादा धूप हो तो, और बाकी बस इतना ही, बाकी चलते हैं जल्दी से, और मैंने एक विंडशील्ड रख लिया, इसके ऊपर पहन लूँगा, वही खाना खाते हैं चल के। वैसे भी ट्रैक स्टार्ट नहीं हुआ, बट ऐसा फील आ रहा है कि ट्रैक स्टार्ट हो गया, बट अभी ऊपर मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में जाने के बाद पापुरी को रील्स आएगी बढ़िया बढ़िया मस्त, और बढ़िया थकान आएगी, और क्या आएगी, मैंने पहले जैकेट नहीं पहनी थी, और जैकेट पहन ली विंडशील्ड टाइप, क्योंकि ठंड है ऊपर, ये दोनों गए थे निपुण और मामा तो देख कर आए थे, ऊपर ठंड थी, बाकी पूरा खाना वाना खा के ट्रैक करेंगे हम मस्त, खाना लाइट लेके थोड़ा मजाक से हट के होटल से रेस्टोरेंट तक आने में फट चुकी है, ट्रैक कैसे होगा भाई, मुझे नहीं लगता, जिन्होंने जैकेटें पहने थी सबने उतार दी, मैं एक बार फैल मेरे को उन्होंने पहनवाई, अब मेरे को उतरवाने के लिए कह रहे मैं उतारूंगा नहीं, विंडशीटर है चलेगा, लेकिन नाश्ता करेगा एनर्जी आएगी तो फुल ऊपर फुल स्पीड में, ऐसी सीढ़ियाँ तो नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली ट्रैक में, पता नहीं किधर जाना है, उधर जाना है या किधर जाना है, बाकी देखते हैं चलते हैं, बाकी ऊपर वाला क्या हाथ में गैस, मैं तो बैठ गया हूँ नीचे, और ये लोग बैठे हैं ऊपर, क्योंकि इनको पता नहीं कि नीचे बैठना ज़्यादा सही रहता है, नया जगह तो नया तरीके से करना चाहिए, इनको समझ नहीं आती बस समझ, सैंडविच है कॉफ़ी आ गई बस इतनी डाइट, फिर चढ़े गए ऊपर, वो वहाँ पर गा रहे परांठे वगैरह, वैसे परांठे वगैरह खाने नीचे जाने से पहले, बाकी ऊपर लंच कर लेंगे मैगी वैगी का। तो गाइस ऑफिशियली ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है, और हम भैया कौन से रूट से जा रहे हैं, हम नाम बताओगे, कौन से रूट से जा रहे हैं, हेड़ी हेड़ी वाला रूट है, एक बार इस पर बता दो, हेड़ी हेड़ी रूट से जा रहे हैं गाइस ट्रैकिंग, क्योंकि एक तो हम लेट हो गए थे 11 बजे के बाद, एक जगह पे एंट्री नहीं है, दूसरी जगह से जा रहे हैं, पुलिस वालों का लफड़ा है, भैया कह रहे हैं कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ट्रैक है, अरे नहीं चलो चलो ना गाड़ी 10-15 किलोमीटर कम हो जाएंगे, कोई नहीं 10-15 किलोमीटर नहीं 7 किलोमीटर की ट्रैक करते भाई, अगर आप कभी भी ट्रैक पर आ रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि 30 वर्ष से ऊपर के लोगों को ना लाए नहीं, खासकर जो जिम में ना जाते हो ना करते उनको ना, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि गाड़ी चलने नूब इन गेमिंग लैंग्वेज में जुनूब बोलते हैं ऐसे लोगों को, तो भाई ट्रैक स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली हिरणी से, चलते बाकी मैं ट्रैक में रील्स वगैरह बनाते रहूँगा, ज़्यादा बोल नहीं सकता ट्रैक में, भैया हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक तो नहीं, बैठवा दें भैया के पीछे आपको, भाई भैया ने अभी भी बताया कि जानवरों से आमना सामना होता है, लेकिन अगर उनको कुछ ना कहो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर कह चढ़ गए तो फिर बंदा गया तो भाई तो भैया कह रहे हैं वहाँ पे एक टेंपल है, वहाँ तक हमें जाना है, तुम्हें दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं वीडियो में, ठीक है हल्की हल्की भाई देखो पहला ट्रक है, झूठ नहीं कह रहा, तो फिर डर नहीं लग रहा, इस लाइक चले जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो शरीर है ही,
बाकी अभी तो मेरे को बर्फ वाले टैक्स भी करने हैं दोस्तों के चक्कर, फिर ये तो कुछ भी नहीं है राइट। चलते रहते हैं बाजू के साथ जी दाई। एक मिनट मैं ठीक है। ट्रैक बॉयज गर्ल्स मम्मी पापा भाभी भैया मामा की गाड़ी आगे खड़ी है। यहाँ तक वैसे मेरे तक काफी है। अरे पता है क्या वो ज्यादा चढ़ाई थी, इतनी चढ़ाई नहीं होगी मेरे लिए, इतना काफी है यहाँ तक पहुंच गया मैं जिंदगी का। तू वेन्यू लगा दे यहाँ पे, दो लग रही पहले ही तीसरी भी ब्लू कलर में खड़ी हो जाएगी मामा। हेलो टेडम देख मंडे लाइक कैसे यहां पे जिंदगी का सार पूरा हो गया भाई। हम ऊपर लॉज में रुक रहे हैं गाइस। कुछ कहना है बोलो भाई। नहीं है मामा जगह, वहां तो जा सकता हूं, उसके आगे मेरा जिंदगी का सार पूरा हो जाए मेरे को काफी। उसके आगे नहीं करना, जाएंगे हो गए अभी से मेरे को लग रहा है। भाई ये वाटरफॉल से आया, ये भागसू नहीं है, दिस इज वाटरफॉल। हमें यहाँ से ट्रैक करके जाना है ऊपर, नाला कह रहे हैं लेकिन ये पानी बह रहा है तो उसको वाटरफॉल ही बोलते हैं। ऊपर से नाला नहीं आता क्योंकि वाटरफॉल ही बोलते होते हैं, नाले ऊपर नहीं होते। तो भाई चले गए, बस यहाँ पे रश हो रहा है सबका, इनका मेरा तो नहीं। फिर चले गए ऊपर, चलना है अभी तो ऊपर। तो भैया कह रहे हैं बागसू के पास से वापस आते हैं, नीचे बोला तो भैया कह रहे हैं वो श्रापी था वहाँ पे हर साल एक डेथ होती है। हमने पूछा इस साल के होगी मेरे का, हमने कहा फिर हम वहीं से आएंगे। हेलो गाइस आ गया क्या की वुमेन्स यहीं पे कुछ फूल उगते हैं इसी पेड़ पे, यहीं के पेड़ पे उसको पीसते हैं तोड़ते हैं और उसकी चटनी बना के खाते हैं। वाओ ककड़ी को ना बहुत मजा आएगा भाई खाने में भी। भाई देखो सामने बादल जा रहे पूरे। दूसरी बात पता क्या है, मैं ज़्यादा बोल रहा था कि मैं कर लूँगा मैं कर भी लूँगा, बट मैं ब्लॉगिंग करते हुए बोल रहा हूँ ना तो दैट्स एन इशू फॉर मी, वो मेरे को दिक्कत दे रहा है। ठंड बढ़ने लग जाएगी अभी थोड़ी देर में, तो मैं कपड़े पहनने लग जाएंगे, ये लोग ऊपर चले गए मैं नीचे हूँ। थोड़ा जल्दी से बोल के बिना ब्लॉगिंग करे ऊपर जाऊँगा स्ट्रेच पे पूरा भगते हुए या फिर चलते हुए ठीक है। अभी तो आप सामने देखो बादल देखो साथ। भैया बोल रहे हैं कि बस आपको अब यहाँ से त्रिवेणी दिख जाएगा, तो अब देखते हैं कि भाई कितना त्रिवेणी दिखता है। कहाँ है भैया त्रिवेणी? अबे ये कह रहे हैं ये आगे त्रिवेणी। अरे यार ये त्रिवेणी बोल रहे थे भैया, मतलब मजाक चल रहा है। रुको जमट हमारे लाजवाब भाई थक गए हैं और मैं उनका। तो गाइस वैसे भी ये चल रहा था, सबसे थका हुआ था क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रहा था बोल बोल के, बट अब वो लोग उधर है मैं यहाँ हूँ। मेरे को यहाँ पे भैया मिले थे अमृतसर से आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? नवदीप। नवदीप भैया मिले थे जो कि अमृतसर से आए हुए हैं। इनका ग्रुप निकल गया आगे ये इधर है आगे छोड़ गया मेरे को हमने कहा कोई नहीं अब हम आ गए, बाकी मेरा ग्रुप वो आ रहा है उधर से उनके लिए बैठा हुआ हूँ मैं। अभी भी मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जितना बोलूँगा उतना थक जाऊँगा, एक बार वो लोग आ जाएगा फिर हम चले गए। तो अब हाफ पे चल पहुँच के मिलते गए। तो यहाँ रुके हुए खाने के लिए, मैगी वगैरह खाए के बाकी पूरे बादल ऊपर आ गए गाइस और ऊपर जैकेट पहनने की वो है नहीं, पसीने में हो गए। थोड़ी देर में हाफ पहुँच जाएगी, हाफ आवर है पहुँच जाएगी। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, माफ़ी चाहूँगा। इसके आगे का ब्लॉग इतने अच्छे से बन नहीं पाएगा, मतलब ऊपर जाके बन जाएगा इतने ताकि ट्री एंड का ब्लॉग बन सके, इसको चार्जिंग पर लगा के अपने हैंड बैग में रख लगे। तो बाकी मैगी वही खाते हैं। तो भाई यहाँ पे ऊपर से कुछ बंदे आ रहे हैं, कुछ बंदे फोटो खिंचवा रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ मैं खड़ा गाऊँ।
इससे नीचे सीधा दिल्ली है, फरीदाबाद है, अमृतसर है, सारी जगह इसके नीचे ही है, बट हम थोड़ा ऊपर जाएंगे। बाकी देखो मेरे लिए थोड़ा इजी है ये, तुम अपना देख लेना। भाई फाइनली वी हैव रीच्ड इट। व्यू देख सकते हो पूरे सामने से, पूरे का पूरा व्यू देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हमें लगा कुल मिला के 5-6 घंटे लग गए पहुंचने में, कुल मिला के 5-6 घंटे लग गए पहुंचने में। और ट्रैक थोड़ा ट्रैक कैसा था भाई? ट्रैक इजी था, मतलब बिगिनर्स के हिसाब से तो इजी है। हाँ बट ये कि आपको थोड़ा ना स्प्रेड रखना पड़ेगा, मजा बहुत आएगा ट्रैक में। बिगिनर्स के हिसाब से कोई चीज़ ही नहीं है ये, दिस इज द मिथ जो ब्लॉगर्स तुम्हें बोलते हैं कि ये ईजी है वगैरह वगैरह। मैंने इजी था नहीं था ना, इजी इजी था पर मैंने अपनी मोटिवेशन दे ही नहीं। ये मीडियम है भाई, ये मीडियम है तो भाई ऐसी तैसी हो गई, ये मीडियम है। बाकी हमें अभी वहाँ ऊपर रुकना है और एक इधर भी। बाकी यहाँ पे कोई कैंपिंग करने रहा है भाई, काफ़ी लोग होंगे जो तुम्हें ना मतलब दिखाएंगे नहीं ट्रैकिंग का पूरा, क्योंकि क्यों, क्योंकि वो आते ही नहीं ऊपर, ऐसे आएंगे भाई तो क्या भाई बहुत ऊपर जाके बहुत मज़ा आया, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो दिखाते नहीं है। हाँ मतलब मैंने देखा है ऐसी वीडियो जो कि वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड करते हैं नीचे की, वीडियो स्टार्ट करते नीचे एंड करते हैं कि हम ट्रैक कराएं, फायदा नहीं होता। मतलब क्या भाई, वो कैमरा तो है, बाकी कुछ लोग दिखाई देते होंगे, कुछ लोग नहीं दिखाते होंगे। जो लोग नहीं दिखाते वो आधे रास्ते से वापस आ जाते गए, मैं भी बता रहा हूँ क्योंकि जाते लोग आधे रास्ते से वापस यहाँ पे। ये चार दीवारी है, ठीक है, ये चार दीवारी इसलिए है क्योंकि मतलब ईंटें लगी हुई है तो थोड़ी हवा रोक लेंगी। बाकी कैंप पे रुक सकते थे हम, लेकिन कैंपिंग वगैरह भी बंद कर रखी है, बाहर लोग जम रहे हैं, बाहर लोग जम रहे हैं। तो भाई हवा की मात्रा ऊपर कितनी है इसके अंदर जितनी देख सकते, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये सही था ऊपर आते थे फूल गया। ठंड का क्या राज है, जाने क्या कर गए भाई। व्यू देखो, मेन बात यह है कि भाई ठंड हो रही है 4 डिग्री की ठंड हो रही है, मतलब इस टाइम पे अक्टूबर में, और भयंकर ठंड हो रखी है। और मैं सोने गया था ना, लेकिन उन्होंने रूम में सोने नहीं दिया, तो हम बाहर आ गए फिर से। बस और तो कुछ नहीं, बाकी तुम व्यू देखो क्या ही व्यू आ रहा है, मेस्मराइजिंग है, बड़ा व्यू, द मून, द स्टार्स, द सनसेट एंड द सिटी। And that's the view back. This is love. दिख रहा हूँ। So guys, welcome to the vlog night life. आप पीछे का व्यू दिख रहा तो पता नहीं, सारी लाइट्स जल रही है और ऊपर पूरे में तारे तारे दिख रहे हैं हमें, जो कि ये फ़ोन नहीं दिखा पा रहा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं फ़ोन से व्लॉगिंग करता हूँ। वैसे अगर मैं किसी और चीज़ से व्लॉगिंग करता तो बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत बढ़िया लेंस ही होगा इसके लिए, जो कि DSLR में भी आपको खरीदना पड़ेगा 1-2 लाख का, तो उसको तो छोड़ो अभी। बट मैं नाइट में व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टॉर्च वगैरह है नाइट व्लॉगिंग के लिए। इससे ज़्यादा नहीं करेगा गाइस, अपने रूम में चले जाएंगे, अभी हम थोड़ी कहानी सुनने आए हैं। व्लॉग वगैरह एंड करें आज का व्लॉग एंड करते हैं, ठंड लग रही है। और दूसरी बात, आज का व्लॉग एंड करते हैं, हमने खाना खा लिया, मैं व्लॉग नहीं बना पाया उस चीज़ का वगैरह गया है, जिसका व्लॉग में अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, मेरे फोन की बैटरी खत्म थी लेकिन अभी चार्ज हो गई, हम सबसे ज़्यादा बचानी है क्योंकि अलग अलग व्लॉग स्टार्ट करना। आज का व्लॉग खत्म करते हैं, लाजवाब आर्मी के अनुभव, मैं आपका दोस्त लाजवाब, लाजवाब लाजवाब बंद करते चलो सोते हैं यहाँ पे बोट डे ऊपर, और इसके बाद कल सुबह उतर के, कल अगर चले गए तो कल के डे का व्लॉग, चलो बाय।